तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए मान लो, तो भजन लाली फुल लग जाती। इसकी मन क्योंकि गहरे में जाएंगे भी वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, इसलिए इसकी तह तक जाना जरूरी हो गया। हरियाणा में कैसे हुआ ये समझ के परे सबके बेशक होता है, ईवीएम बेशक होता है। उपचुनाव तो हम जीतेंगे लगता मुझे, क्योंकि यहाँ की जो हमारी स्कीमें थी सरकार की, हमारी स्कीमें पूरा मुल्क के राज्य अपना रहे हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छी स्कीम कोई हो तो उसको चालू रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब अन्नपूर्णा किट था, मतलब गरीबों को फ्री राशन मिल जाता था कुछ। अब उसमें फोटो लगी थी मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए मान लो, तो भजन लाली फोटो लग जाती। स्कीम बंद क्यों की? दूध वालों को 5 रुपये प्रति लीटर देते थे अनुदान, जैसे कि दूध का प्रोडक्शन बढ़े, मतलब वो बंद कर दिया उन्होंने। पेंशन अभी टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं, पेमेंट हो नहीं पा रहा ठेकेदारों का भी, तो कई योजना जो है वो बंद किए जा रहा है। बल्कि 25 लाख का बीमा जो था, सब तो 25 लाख बीमा यूज करते नहीं हैं, पर एक विश्वास रहता भी अगर मानो जरूरत पड़ गई हमारे घर में किसी की, तो सरकार 25 लाख तक में फ्री इलाज कर देगी। वो विश्वास खत्म कर दिया उन्होंने। अब कुछ लोग जानते हैं, कोई पता नहीं स्कीम बंद हो गई है चल रही है, तो स्पष्ट करना चाहिए सरकार को भी स्कीम चल रही ना, आप आराम से आइए करते हैं। तो वो जो टैबू बना हुआ था वो कम हो गया हेल्थ को लेके, जबकि हेल्थ हमारी बहुत प्रायोरिटी रही है। IPL टावर बन रहा है शानदार, तो ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है टावर। तो भाई जितना काम उन्होंने किया वो मैं समझता हूँ सरकार बदल रही, तो डेमोक्रेसी के क्या कारण है तो अलग सब्जेक्ट हो सकता है, पर ये सरकार जिस प्रकार से बिहेव कर रही है वो मैं समझता हूँ उचित नहीं कह सकते हम लोग, ये मानता हूँ मैं। एक सर हरियाणा में क्या कुछ विश्लेषण रहा आपका हार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या गठबंधन की वजह से आपको हार झेलनी पड़ी, क्योंकि आप पार्टी की वजह से बहुत सारी सीटें ऐसी है जो कम मार्जिन में। देखिए वो तो पोस्टमार्टम हो रहा है, कल मीटिंग हुई है, तो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने तय किया भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि जितने वह कैंडिडेट्स हमारे थे, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे और गहरे में जाएंगे भाई वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है, कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी मीडिया में भी, एग्जिस्पोर वालों ने भी। तो उसके बाद में क्या होगा, अचानक यह अप्रत्याशित परिणाम आ गए, तो चौंकाने वाले परिणाम है ये, इसलिए इसकी तह तक जाना जरूरी हो गया। अब क्या है, हम लोग बात करते हैं जो चुनाव हार जाती पार्टी, जो गुटबाजी थी वहाँ पर, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जाते समय बदल गए, ये 3-4 बातें होती रहती है। पर मेरा मानना है कि EVM मशीन का लोग कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी EVM के लिए हमने शिकायत भी करी है इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे, जवाब का इंतज़ार रहेगा। पर जो हालात बने हैं ये पहली बार देख रहे हैं चुनाव में कि इस प्रकार के हालात बनते हैं और परिणाम देखो उलट जाते हैं, ऐसा मैंने पहली बार देखा। इस प्रकार से जो हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में कैसे हुआ ये समझ के परे सबके, बल्कि बीजेपी नेता कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। हमने मीटिंग हमारी सीमित मीटिंग कर दी हम लोगों ने, बड़े नेताओं के भी, तो वो खुद बोले थे 4 तारीख तक तो बोले थे, 5 को परिणाम आते तो सब कुछ चौंकाने वाले होते हैं। तो बेशक होता है, EVM बेशक होता है, जैसे आप कहते हो गठबंधन करते हो क्या हो जाता है, ये तमाम बातें जो है ये आती है सामने। पर मेरा मानना है जब तक आप तय पर नहीं जाओ तब तक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। सर महाराष्ट्र क्या लगता है वहाँ पर भी आप गठबंधन? नहीं देखिए ऐसा है कि गठबंधन तो खैर चल ही रहे हैं, पर जो लोग कहते हैं भाई अब चुनाव में हार गए तो वहाँ क्या होगा, देखिए थोड़ा बहुत तो झटका सभी लगता है पार्टी को, वर्कर्स को लगता है, पर स्थिति समय के साथ समझ जाती है कि हरियाणा की स्थिति दूसरी थी, महाराष्ट्र की स्थिति दूसरी है। वहाँ की गवर्नेंस कैसी हो रही है, वहाँ इश्यू क्या है, वहाँ क्या क्या लोगों की फीलिंग्स है, वो अलग होती है। तो मेरा मानना है कि वहाँ के यहाँ के परिणाम का बहुत बड़ा असर वहाँ नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर भी सर उपचुनाव है, उपचुनाव तो हम जीतेंगे लगता मुझे, क्योंकि यहाँ की जो हमारी स्कीमें थी सरकार की, हमारी स्कीमें पूरा मुल्क के राज्य अपना रहे हैं, ऐसा माहौल बन गया है। 25 लाख का बीमा हो, OPS हो, बिजली फ्री हो, सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन हो, सब स्कीमें अपने आ रही है। शहरों में रोजगार की बात हमने करी, कंट्री में कहीं नहीं था। नरेगा की तरह रोजगार देना बड़ी बात थी हमारे यहाँ। छात्रों के लिए कोचिंग हमने फ्री करवा दी 30,000 बच्चों को, विदेश भेजने लगे बच्चों को हम लोग। तो हमारी स्कीमों में तो कोई गिनती नहीं है, इतना उस वक्त औरा बन गया था। अब जो स्थिति है उसमें समय बताएगा कि क्या स्थिति बनती है आगे। पर मेरा मानना है कि जो माहौल कंट्री बन चुका था 10 साल की सरकार के बाद में, तो बीजेपी लगता है कि हरियाणा के बाद में वापस वो रिवाइव हो गया, पहले वाला माहौल बन गया। वो नहीं है, मेरा मानना है कि पहले वाला माहौल नहीं बनने वाला है। अभी उनकी जो सत्ता विरोधी लहर उनकी है, अब भी काम रहेगी, आगे भी काम रहेगी।